हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज मैं आप लोगों से राजस्थान पीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2021 डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका एग्जाम अभी अभी रिसेंटली में हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले फर्स्ट में हम जीके के क्वेश्चन एक बार देखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके एक बार आप देख लीजिए। मेन हम एग्रीकल्चर पोर्शन पर फोकस करने वाले हैं, तो जीके के क्वेश्चन एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रही हूँ, तो आप देख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके बाद सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है, विच इज नॉट एन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर ऑफ डिजर्टिफिकेशन। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स आर्टिफिशियल फैक्टर कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड, लेसर रेनफॉल। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा फास्ट हो जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। इसमें 50 क्वेश्चंस आपके स्टेट के पीएससी के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जो आपके आगे के क्वेश्चंस हैं वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। द वर्ल्ड फर्स्ट IVF बफेलो काफ डेवलप्ड एट NDRI करनाल इज, आंसर इज गरिमा। सेकेंड, डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू डेयरी इंडस्ट्री एवरी ईयर इज, इट इज आंसर इज मस्टाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल बिलोंग टू विच रीजन ऑफ इंडिया। मिल्च ब्रीड जनरली देखा गया है तो पंजाब में, हरियाणा में या फिर पाकिस्तान से साहिवाल, ये सब जो है कौन सा रीजन है आपका, नॉर्थ ईस्ट रीजन, सॉरी सॉरी नॉर्थ वेस्ट रीजन है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेम पर्पस चिकन इज, द आंसर इज असील। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोला इज द सिनोनिम ऑफ विच इंडियन कैटल ब्रीड, लोला को और क्या नाम से जाना जाता है, इसका सही जवाब है साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग इज लोकेटेड एट, आंसर इज गुवाहाटी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक रूमेन बाईपास प्रोटीन फीड ऑयल केक इज ट्रीटेड बाय विच ट्रीटमेंट, द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड मिथियोनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अफेक्टेड एंड सस्पेक्टेड एनिमल इज नोन एज,
The correct answer is fourth, isolation. Next question. The term used to remove the uneconomical animal from the herd is known as. इसका करेक्ट आंसर है वीडिंग. इसको हम लोग कलिंग भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रेजी चिक डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एनिमल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया. सही आंसर है बफेलो, जो 94 मिलियन बफेलो जो है 94 मिलियन प्रोड्यूस करता है मिल्क का. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनिमल सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी आफ्टर फिल इन द ब्लैंक ईयर्स इन इंडिया. द आंसर इज 5. हर 5 साल में एक बार एनिमल सेंसस होती है, मतलब जनगणना. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिसेंट फेज सिम्टम्स फाउंड इन प्लांट डिजीज. द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरियल लीव ब्लाइट ऑफ राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. लोकल एंड सिस्टमिक बोथ इन्फेक्शन फाउंड इन प्लांट डिजीज. इसके आंसर में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने इसका करेक्ट आंसर नहीं बताया है. अगर आपको पता है इसका आंसर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए. इससे और लोगों को भी फायदा होगा आंसर जानने में. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लैंप कनेक्शन इज फाउंड इन विच जेनेरा ऑफ प्लांट पैथोजन. ये क्लैंप कनेक्शन किस में देखा गया, कौन से जेनेरा ऑफ प्लांट पैथोजन में? बेसिडियोमाइसिटीज में होता है. और इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज के अंडर आता है? द करेक्ट आंसर इज अस्टिलेगो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईस्ट आर यूज इन बेकरी इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट. कॉन्सेंट्रिक रिंग आर टारगेट पोर्ट सिम्टम्स फाउंड इन डिजीज कॉज्ड बाई. द करेक्ट आंसर इज सर्कोस्पोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरिफॉर्म आर डिक्टियोस्पोर कोनिडिया आर फाउंड इन. द आंसर इज फाइटोप्थोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. लूज स्मट ऑफ वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय. द करेक्ट आंसर इज ए हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट 52 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 11 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑयस्टर मशरूम बिलोंग टू द जीनस. द आंसर इज प्लूटोरस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई जू स्पोर आर फॉर्म इन साइड वेसिकल्स. इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी. थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इसमें भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय. इसका करेक्ट आंसर है थ्रिप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय एच फ्लोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फंजाई इंक्लूडेड इन ऑर्डर पर्नोस्पोरल्स कॉज द डिजीज नोन एज. द करेक्ट आंसर इज थर्ड डाउनी मिल्ड्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. द साइंटिफिक नेम ऑफ बॉम्बे लोकस्ट इज. इसका करेक्ट आंसर है नोमा डेक्रिस सक्सिनीटा. ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो है वो कैलकुलेट करके बताना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल ऑफ ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड इज. आंसर इज कार्बोप्यूरॉन, टेनजी के नाम से मिलता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय द पैथोजन. द करेक्ट आंसर इज स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन IPM इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आंसर इज कल्चरल कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The flowers do not open and give rosette appearance in cotton is due to. The correct answer is pink bollworm. Next question. Red hairy caterpillar is controlled by. Correct answer is trenching around the field. Next question. In maize, due to damage of dash central shoot withers and leading to dead hearts. The correct answer is pink stem borer. Next question. Insect which can survive at high temperature and low humidity is. The answer is Khapra beetle. Next, lac insect belongs to family. The answer is Caridae. Calculate the area covered per hour by a plow of 30 cm size plowing at 5 km per hour speed. ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्यूल इज इंजेक्टेड इन द सिलेंडर एट द एंड ऑफ. द करेक्ट आंसर इज कंप्रेशन स्ट्रोक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्चार्ज थ्रू सिपोलिटी वियर इज. द करेक्ट आंसर इज दिस. क्यू इज इक्वल टू 0.0186 LH3/2. ये दोनों क्वेश्चन दोनों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे 0.1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.0 है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा लास्ट वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन. मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई बिलोंग्स टू द ऑर्डर. द करेक्ट आंसर इज हाइमेनोप्टेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर फोर सिलेंडर इंजन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फायरिंग ऑर्डर इज. The correct option is first, 1, 3, 4, 2. Next question. What is the value of the tilt angle in a disc plow? यहाँ पे आपको tilt angle पूछा है disc plow का, तो इसका correct answer है 15-25 degree. Next question. The swing basket water lift is most suitable when the depth of water surface is. इसका answer मुझे नहीं मिला है. अगर आपको पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुटेबल हैरो इन ऑर्चार्ड्स इज. द करेक्ट आंसर इज टेंडम डिस्क हैरो. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू. तो इसका करेक्ट आंसर है 100 m³. ये कैसे आया? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^5 लीटर होता है, और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 100 m³. 1000 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 m³ इज इक्वल टू 1000 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Differential lock in tractor is used to run the tractor on. The correct answer is road. Next question. Number of sections in partial flume is. The correct answer is 3. Now option kaun sa correct hoga? First. Ek hamara converging side hota hai, ek hamara diverging side hota hai, aur ek beech mein kya hota hai? Trough region hota hai. Partial flume mein. Next question. Dibbling is a method of. Dibbling किस लिए यूज किया जाता है? Sowing के लिए, sowing seed. Next question. If the increment in both demand and supply is equal, then equilibrium price will be. यहाँ पूछा है अगर demand भी बढ़ रहा है आपका, supply भी साथ साथ में बढ़ते जा रहा है, तो price में क्या change आएगा? तो price क्या रहेगी हमारी? Remain constant. Next question. A pump is discharging 0.8 m³/min. The amount of water discharged in 1 hour will be. ये question आप try करिएगा बनाने का. Next question. A curve which shows optimum quantity of a commodity purchased at different level of income is called as. The correct answer is Engel's curve. Next question.
The demand for a product that is not associated with the demand of other product is called as. The correct answer is autonomous demand. इसको हम डायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक. द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कर्व विच रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइटम्स गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड. द करेक्ट आंसर इज इनडिफरेंस कर्व. Next question, the nature of the relationship between quantity supplied and price of a product is indicated by. The answer is law of supply. Next question, per unit cost of production of output at current market price is called as. यहाँ पे अगर देखें हम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है उसमें पर यूनिट में हमको कितना प्राइस एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये हमारा मार्जिनल प्राइस होता है वैसे तो, पर यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर मुझे अभी पता नहीं है. अगर आपको पता है इसका आंसर तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कर्व विच लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. The correct answer is average fixed cost. Next question, in a monopoly market the cross elasticity of demand will be. The correct answer is equal to 0. Next question, who is the chairman of Niti Aayog. The correct answer is prime minister. Next question, a curve which is also called envelope curve. The correct answer is first long run average cost curve. Next question, the price that consumer pay for a product is less than the price he is willing to pay is called. The correct answer is consumer surplus. Next question, when average production is at maximum, average variable cost will be. इसमें थोड़ा मुझे confusion है, but I guess the answer is minimum. Next question, product differentiation is a distinct feature of. The correct answer is A. Monopolistic competition. Next question, who is known as the father of extension education in Indian context. Question में Indian context पूछा है, इसलिए answer हमारा होगा Dr. K.N. Singh. अगर USA के according पूछता question में तो इसका answer होता J.P. Liggins. But इस question में इसका answer है Dr. K.N. Singh. Next question, in TNB training and visit system 1974, the transfer of technology to the farmers at the farm level was done by. The correct answer is. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं. Next question, process of calculating future value using present investment is called as. Answer is compounding. Next question, the premium payable under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2016 for Kharif and Rabi crops respectively is. The correct answer is 2% and 1.5%. Kharif crop ke liye 2% hai aur Rabi crop ke liye 1.5%. Sowing skills harvesting opportunity is the tagline of which of the following program. The answer is Agricultural Skill Development Council of India, ASCI. On farm testing is an important activity of which of the following extension program. The answer is Krishi Vigyan Kendra. During participatory
ruler apprecial the chronology of the event as recalled by the local people is known as? The answer is timeline. Next question. Use of information and communication technology ICT by the government to promote greater participation of the people in the process of governance is called? The answer is e-governance. Next question. The project to rehabilitate the displaced person from Pakistan to India was? The answer is Nilokeri experiment. Next question. An innovation adopted by the people to lower the probability of future unwanted result is known as? The answer is preventive innovation. Next question. The leaders emerged during the flood in a village come under which of the following theory of leadership? Situational theory. Which of the last step of the process of extension program planning is? The answer is reconsideration and revision of the program. Next question. In SMCRE model of communication, C stands for? It is channel. Next question. Which of the following is not related to effective written communication? The correct answer is complexity. कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या अगर आप किसी दूसरे को पास करें इन द रिटन फॉर्म में. क्लैरिटी होनी चाहिए, कम्प्लीटनेस होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, बट कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए जिससे कि सामने वाले को आसानी से समझ आ सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आई टी के एक्ट केम इन टू द एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ 2002? Next question. Buttoning in cauliflower is caused due to deficiency of which nutrient? The answer is nitrogen. Under whose supervision the frontline demonstration was conducted? The answer is scientist of the National Agriculture Research System. Next question. Inflorescence of sunflower plant is? Answer is capitulum. The water use efficiency of groundnut is? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताइएगा हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कैटेगरी ऑफ ब्रेड व्हीट कंटेन्स 12-14% प्रोटीन एंड मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग बेकरी ब्रेड? द आंसर इज इंडियन हार्ड व्हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेमी रूट पैरासाइट वीड ऑफ काउपी इज? The correct answer is Striga. Next question. What is the permissible liquid of burette content in urea for foliar spray and soil application beyond which it is toxic to plants? The correct answer is 1 and 2%. Next question. Little leaf of cotton occurs due to the deficiency of which nutrient? The correct answer is zinc. Which of the following clay mineral is dominant in red soil? The answer is kaolinite. Next question. Choose the correct sequence of relation to saline soil. The correct answer is second. Next question. Magnesium content percent in calcium ammonium nitrate fertilizer as mentioned in FCO 1985 is? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया द सॉइल्स आर मोस्टली एलुवियल एंड आर प्रोन टू फ्लड्स? द आंसर इज लोअर गैंगेटिक प्लेन जोन. पंजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड. State of India which has highest area under certified organic agriculture? Answer is Madhya Pradesh. The parent of Arka Aruna variety of mango are Bengal Pali and Alfonso. Next question.
अर्का हरित इज अ वैरायटी ऑफ बिटर गार्ड. पेटल बर्न इन क्राइसेंथेमम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट. द आंसर इज पोटेशियम. एसिड परसेंटेज इज जैम इज. द आंसर इज 0.5 to 0.6%. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट प्लांट बियर्स कैप्सूल टाइप ऑफ फ्रूट्स. द आंसर इज आंवला. नेक्स्ट क्वेश्चन, जरबेरा इज प्रोपोगेटेड बाई. द करेक्ट आंसर इज डिविजन. विच वेराइटी अमंग द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कैप्सिसिन. इसका आंसर मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता होगा तो हमें कमेंट सेक्शन करके आप इसका आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग सनसेट इज ए वेराइटी ऑफ रोज. द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपोगेशन मेथड ऑफ वेटिवर इज. द करेक्ट आंसर इज बडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हार्ट इज ए कॉमन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच वेजिटेबल. द करेक्ट आंसर इज पोटैटो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑयनथेरा स्पीशीज हेट्रोसिस इज नेचुरली फिक्स्ड थ्रू. मे बी इसका आंसर बैलेंस्ड लीथल सिस्टम है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल स्टेराइल लाइन टिफ्ट 23A इज रिलेटेड टू. द करेक्ट आंसर इज पर्ल मिलेट क्रॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वीट द पीएच जीन विच सप्रेस होमोलॉगस पेयरिंग बिटवीन क्रोमोसोम इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स. इसका आंसर हमें नहीं पता, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके आप बता सकते हैं दोस्तों. इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें मुझे कॉरेंस भी लग रहा है और रोड्स भी लग रहा है. तो आप इसका, अगर किसी को करेक्ट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो 212 इज अ सोमा क्लोनल वेराइटी ऑफ. द करेक्ट आंसर इज लेथायरस सेटाइवस. नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल हेलिकल डीएनए दैट हैज 12 बेस पेयर पर टर्न इज रिलेटेड टू. द आंसर इज जेड फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन बिटवीन प्लांट हाइट एंड सीड वेट कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग. द आंसर इज कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन. इसमें हम दो डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, दो डिफरेंट डाटा को. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मियोसिस ओरिजिन ऑफ सिनेप्टोमिनेमल कॉम्प्लेक्स अकर्स इन. सिनेप्सिस का फॉर्मेशन कहाँ, कौन से स्टेज में होता है? प्रोफेस वन में होता है. कौन से फेज में? जाइगोटिनी स्टेज में. म्यूटाजन दैट इज नॉट अल्काइलेटिंग एजेंट इज. इसका फुल फॉर्म है मिथाइल मिथेन, एक सेकेंड, मिथाइल मिथेन सल्फोनेट. इसका है इथाइल इथेन सल्फोनेट. इसका है इथाइल मिथाइल सल्फोनेट. और ये है हाइड्रोक्साइल अमाइन. तो इसमें से अल्काइलेटिंग कौन सा नहीं है? द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लैक ऑपरॉन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बाइंड टू. द करेक्ट आंसर इज प्रमोटर जीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट मार्कर असिस्टेड सेलेक्शन. द करेक्ट आंसर इज सेकेंड. इट कैन बी यूज फॉर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन इक्वली वेल. बट हमको पता है कि मार्कर असिस्टेड सेलेक्शन जो है डिजायरेबल जीन के लिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री डिफरेंट फिनोटाइप्स आर ऑब्जर्व. द आंसर इज डुप्लीकेट जीन इंट्रैक्शन. मैच द फॉलोइंग विथ लिस्ट वन एंड लिस्ट टू. यहाँ पर इसको आपको मैच करना है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जीन ALA3 किससे रिलेटेड है यहाँ पर,
तो जैसे आप इन सारे ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के नहीं समझ आ रहा है कि आप कौन सा आंसर टिक कर सकते हैं, तो आप सारे ऑप्शंस को देखिएगा यहाँ पे। जैसे आपको समझ आ रहा है, सबसे आसान वाला देखते हैं हम, जैसे कि क्या है ये इको आर वन। इको आर वन आपको पता है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेवन्थ का जी। तो यहाँ पे देखते हैं सेवन्थ का जी में कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेवन्थ का जी तो थर्ड और फोर्थ आ रहा है, ठीक है। तो हम एक और देखते हैं, जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है हमारा, यहाँ पे इसका आंसर होगा मल्टीपल अलील से, है ना। तो सिक्स का बी, तो यहाँ पे सिक्स का बी है ना। मतलब देखो ये वाला ऑप्शन हमारा, दो ऑप्शन हमने चूज किया था, थर्ड एंड फोर्थ, बट जैसे ही हमने उससे पहले वाला सॉल्व किया सिक्स का, तो ये ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यहाँ भी आपको दोनों को मैच करना है, तो इसमें भी हम वही वाला टेक्निक यूज़ करेंगे, जैसे बॉल गार्ड हमको पता है कॉटन से रिलेटेड है, और अगर ये सब देखे तो मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता ये तीनों का आंसर, बट ये मुझे पता है फ्लेवर सेवर जो है वो टोमेटो की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। तो फिफ्थ का ए होगा, तो फिफ्थ का ए देख लेते हैं हम इस वाले ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फोटोसिंथेसिस एसिमिलेटरी पावर इज जनरेटेड ड्यू टू द फॉलोइंग प्रोसेस। एसिमिलेरिटी पावर मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है एटीपी और एनएडीपीएच2 कौन से प्रोसेस में जनरेट होते हैं, तो इसका आंसर होगा लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, मैंगनीज और क्लोराइड दोनों के प्रेजेंस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन प्लांट्स। द करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट, 3PGA, मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटल क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज मेडिएटेड बाई। स्ट्रेस वर्ड आ गया, मतलब स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं हम, एब्सिसिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ काइनेटिन ऑन डिलेइंग सेनेसेंस इज कॉल्ड एज। दिस इज कॉल्ड एज रिचमंड लैंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस इन विच पार्ट। द आंसर इज मेरिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैंडर्ड ग्रोथ कर्व ऑफ प्लांट जनरली हैज फॉलोइंग शेप। आंसर इज सिग्मोइडल शेप। एस शेप का होता है लैग फेस, लॉग फेस करके, तो एस सिग्मोइडल शेप आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेल। द आंसर इज साइटोसोल। मतलब ये कहाँ होता है हमारा, साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसका आंसर इसलिए होगा साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ सीड कोट इन डॉर्मेंट सीड्स बाय मैकेनिकल मैथड इज कॉल्ड एज। द आंसर इज स्कैरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट सेल लैकिंग अ सेल वॉल इज। द आंसर इज प्रोटोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइस इन एनिमल ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी। एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया दोस्तों, तो अगर आपको अगर इसका आंसर पता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन। इसमें भी मुझे बहुत डायलेमा है ऑप्शंस में, क्योंकि हाई टेम्परेचर भी रिक्वायर होता है, वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता, एकदम से नहीं पता, क्योंकि अब वो कौन से आंसर को आप सही लेंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो पीएससी कौन से ऑप्शन को करेक्ट ले रहा है, बट हाई टेम्परेचर और वाटर दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर पार्ट का आपका आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी, यूट्यूब में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। Thank you for watching this video.